शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत इस समय जम्मू के दौरे पर हैं और जैसे ही ये एयरपोर्ट पर लैंड किए सीधा ये कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि 255 दिनों से जम्मू में धरने पर है उनके धरने में गए, वहां शामिल हुए और शिवसेना की तरफ से इन्होंने उनके प्रति जो है समर्थन जताया। इस समय संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। संजय राउत जी सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप जम्मू में आए हैं और जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड किए आप सीधा कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों से मिलने गए। वहां पर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ज्यादातर जो कर्मचारी है मराठी में आपसे उन्होंने संवाद किया, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे ने जब 1990 में त्रासदी हुई कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उस समय जो उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया न केवल महाराष्ट्र के दरवाजे बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी उनके लिए खोले कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए। मुझे बताइए अब शिवसेना क्या कर सकती है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए? बात ऐसी है कि अभी जब मैं यहाँ बैठा था तब आज के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का मुझे फोन आया, उसने टीवी पर ये सब कुछ देखा कश्मीरी पंडितों का धरना, मैं वहाँ जाकर उनसे जो बातचीत की हो और मुझे उद्धव जी ने कहा और कि आज भी हम उनके साथ रहेंगे, अभी भी रहेंगे और जैसे आपने कहा कि दिल के दरवाजे खोले, महाराष्ट्र के दरवाजे खोले, आज भी खोले हैं जो बाला साहब ने खोले थे। शिवसेना आज भी और महाराष्ट्र भी वही उसी भूमिका के ऊपर कायम है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय होना चाहिए, उनका उनकी जो मांगे हैं उनकी जो सुरक्षा है उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। जम्मू में जिस तरह से सरकारी कर्मचारी बैठे थे जो कश्मीरी पंडित है वो अपने घर बार छोड़ कर क्यों भाग कर आए यहाँ और वहाँ क्यों लौटना नहीं चाहते? घर वापसी की बात आप करते थे लेकिन घर वापसी के लिए जो सुरक्षा चाहिए, जो प्रोटेक्शन चाहिए, जो विश्वास चाहिए वो नहीं है। इसलिए तो चाहते हैं वो लोग कि हमें जम्मू में जो नौकरी कश्मीर की है वो यहाँ रिलोकेट कर दीजिए। छोटी सी मांग है, बड़ी मांग नहीं है। सरकार उस मामले में क्यों चुप बैठी है या क्या कुछ करना नहीं चाहती या फिर एक बार कश्मीरी पंडितों का खून के बहाने राजनीति करना चाहती है ये देखना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि शिवसेना आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ खड़ी हुई है और जो भी आपके मतलब संभव होगा आपसे वो आप मदद करने के लिए तैयार हैं? अगर संभव नहीं होगा तो संभव बनाएंगे। यह हमारे भाई है कश्मीर में, ऐसी बात कश्मीर का नहीं है, ये देश की मानवता की बात है। हमारे देश में ही हमारे भाई विस्थापित होते हैं, निष्कासित होते हैं, अपने घर बार छोड़कर अपने ही देश में कैंपों में रहते हैं, ये दर्दनाक है। और सरकार ने इसी मुद्दे पर तो वोट मांगे है 2014 में, तो आप क्यों उनसे दूर भागते हो? आप समझते हैं कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है? देखिए गंभीर वोट मांगने के लिए जरूर थी 2014 में, लेकिन जिस तरह से आज मैंने आक्रोश देखा है वो आक्रोश क्या कहता है कि आप गंभीर नहीं हो? आपके लिए कश्मीरी पंडितों की समस्या सिर्फ राजनीति करने के लिए है, वोट मांगने के लिए है, ये ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों की समस्या राजनीति से ऊपर है, उनके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो शिवसेना क्या करने जा रही है निकट भविष्य में? जो कश्मीरी पंडित हमें बोलेंगे वो हम करेंगे उनके लिए, उनके पास अगर कोई प्लान। देखिए महाराष्ट्र में तो उनके लिए हमेशा हमने रेड कार्पेट डाला है, आज भी चाहे मुंबई हो चाहे पुणे हो चाहे ठाणे हो बहुत से शहरों में कश्मीरी पंडितों के लड़के डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ घर बार लेकर बस गए हैं। महाराष्ट्र उनके लिए दूसरा घर है तो ऐसा ही रहेगा। मतलब शिवसेना के दिल के दरवाजे आज भी खुले हैं? डेफिनेटली, हमारा दिल बहुत बड़ा है और खास करके कश्मीरी पंडितों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महाराष्ट्र में हैं और वहाँ पर अलग अलग जगह पर बैनर लगे हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चित्र है वो बाला साहब ठाकरे का भी चित्र उसमें लगाया गया है और विधानसभा में 23 जनवरी को जो कि बाला साहब की जयंती है उस दिन पोर्ट्रेट जो है वो रिलीज होने जा रहा है विधानसभा में। तो एक तरह से बीजेपी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाला साहब की जो लेगेसी है उसको मतलब ओन करना चाहती है, तो उस पर क्या कहेंगे? अगर बाला साहब की लेगेसी की बात करते हो तो आप बाला साहब की शिवसेना तोड़ते नहीं,
सत्ता और पैसे की ताकत से। बाला साहब के लेख से क्या है, शिवसेना है, उनकी विचारधारा है, आपने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो कौन सी लेख से की बात आप कर रहे हो। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिवसेना जो है हिंदुत्व के विषय पर जो है कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। क्या कांग्रेस के साथ जाना या नहीं विचारों का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहाँ आपने जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तो आपके बारे में हम क्या बोलेंगे। जो पीडीपी अफजल गुरु के समर्थन में खड़ी रही, यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप के समर्थन में खड़ी रही उस वक्त, ऐसा बीजेपी का ही आरोप था। अब उनके साथ सरकार बना रही, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था। कांग्रेस इस एक देश की पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा है, हमारे आज भी मतभेद है उनके साथ कुछ, लेकिन महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आपने शिवसेना को धोखा दिया था उस वक्त, तो हमको सरकार बनानी पड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बने, हिंदुत्व छोड़ना या और कोई बात नहीं थी उस वक्त। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो आपका जो अभी फैक्शन है शिवसेना का, आपका भविष्य क्या है अब महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में शिवसेना का ही भविष्य और किसी पार्टी का नहीं हो सकता। शिंदे, एकनाथ शिंदे जी तो कहते हैं कि वो असली शिवसेना, पता चलेगा ना लेख से क्या है, कौन शिंदे है कौन क्या है। देखिए, एक टोली बनने से पार्टी नहीं बनती। बाला साहब ठाकरे जी के साथ हम सभी लोगों ने, वो तो हमारे सर्वोच्च नेता थे, 50 साल तक हमने खून पसीना बहाया पार्टी बनाने के लिए। वो इस तरह से कोई हाईजैक नहीं कर सकता। गांव गांव तक, घर घर तक शिवसैनिक काम कर, अब देखिए जम्मू में देखिए कितने शिवसैनिक खड़े हो गया। जो बीएमसी के चुनाव जो काफी समय से पेंडिंग है जो अब होंगे, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर बीएमसी चुनाव में जो है शिवसेना का परचम फहराएगा? एक बार नहीं, बार बार। मुंबई में तो शिवसेना ही रहेगी, और कौन रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के विषय में क्या कहेंगे आप खासतौर पर राहुल गांधी जो हैं वो लखनपुर पहुंच रहे हैं, आप उनका स्वागत करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली है उनका स्वागत सभी ने करना चाहिए। मैं इस यात्रा को राजनीतिक तौर पर नहीं देखता हूँ। इस देश में जो माहौल बन रहा है या बनने जा रहा है, वो माहौल को ख़त्म करने के लिए, नफरत का माहौल, बदले की भावना, दुरुपयोग, चाहे न्याय संस्था हो चाहे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, उनका जो दुरुपयोग चल रहा है, नफरत फैल रहा है, उसके खिलाफ एक नेता देश के हर राज्य में जाता है और लोग उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करता है, तो ये देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव घटना है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द पार्टी लाइन उस यात्रा का समर्थन करना चाहिए, उस यात्रा में योगदान देना चाहिए, इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। मैंने देखा है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ भी जाए राहुल गांधी उनकी यात्रा लेकर, लोग अपने आप वहाँ इकट्ठा होते हैं, शामिल होते हैं। उसका मतलब है कि लोग इस देश में बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं। संजय राव जी, इस समय दिल्ली में जो देश के बड़े खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो धरने पर बैठे हैं और उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर, क्या पढ़ा है? लेकिन मेरे को उस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने अभी पढ़ रहा हूं। संजय राव जी, एक आखिरी प्रश्न, ये जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों का और जम्मू संभाग के जो आरक्षित श्रेणियों के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी घाटी से जो है पलायन करके आए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनके लिए स्थानांतरण की एक नीति बननी चाहिए, आप क्या ये संसद में ये विषय उठाएंगे आपकी पार्टी? हम संसद में उठाएंगे और जहाँ जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा उस प्लेटफॉर्म पर, उस मंच पर हम मुद्दा उठाएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत, जो कि इस समय जम्मू संभाग के दौरे पर हैं और यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना जो है आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ बिल्कुल खड़ी है और शिवसेना जो है संसद में भी इस विषय को उठाएगी। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कर्मचारी हैं और जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके विषयों के प्रति गंभीर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, सांबा, जम्मू कश्मीर, आज तक।